नमस्कार किसान भाई, मैं तोमर माफ सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल टेक्निकल किसान में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि किसान भाई हो, इस समय तरबूज बढ़ने का समय चल रहा है, तो किसान भाई इस समय अगर आप सिंचाई करके बराबर न्यूट्रिएंट्स खाद देते रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिक तरबूज बढ़ेगा। तो किसान भाई, मैं हर बार की तरह इस बार भी खाद डालूंगा, क्योंकि पिछले बार मैंने दिया था इसमें यूरिया और माइक्रो न्यूट्रन और साथ में दिया था मैग्नीशियम, तो इस बार फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसमें यूरिया एक एकड़ में ले लेंगे 15 किलो और साथ में ले लेंगे 10 किलो माइक्रो न्यूट्रन, तो इसको हम नाली में बुआई कर देंगे। और किसान भाई, इस समय एक समस्या बहुत ही तेज़ी से आ रही है तरबूज में, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, अगर आप तरबूज की फुंगी देखेंगे तो उसमें एकदम छोटे छोटे आपको कीट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय थिप्स लग रहा है बहुत तेज़ी से। तो किसान भाई, इस थिप्स को कैसे ख़त्म करें, तो इसको ले लेना है हमको इमिडाक्लोपिड 70% वाला, तो इसको ये बायर का आता है एडमार्क के नाम से, तो इसको ये 2 ग्राम का पाउच होता है, पाउडर फॉर्म में होता है किसान भाइयों। तो ये 2 ग्राम 16 लीटर पानी के हिसाब से आप एक टंकी में डालेंगे और साथ में एक स्टिकर मिला लेंगे। तो स्टिकर मिलाने से क्या होता है कि जो पत्तियों में फैल जाता है, तो इससे फ़ायदा मिलता है कि हमारी दवा वेस्ट नहीं जाती ज़्यादा। तो किसान भाइयों, जो हमारा कीटनाशक है एडमार नाम से बायर कंपनी का है, तो इसको ले लेंगे, तो इसको अपने तरबूज में स्प्रे कर देंगे, तो जो हमारा थिप्स है तो ये ख़त्म हो जाएगा। किसान भाई, थिप्स की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कल्ला होता है, कल्ले की सबसे जो मेन सोफी होती है उसी में ये हो लगता है। अगर कल्ले को आप ले लेंगे हाथ में, तो हाथ में हल्का से उसको पटकेंगे तो जो कीड़े होते हैं आपके हाथ में आ जाएंगे एकदम छोटे छोटे। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे कीट होते हैं। तरबूज आप हमारा देख सकते हैं, तरबूज हमारा जो छोटा पीस है 2.5 से 3 किलो के बीच में है, और जो हमारा बड़ा साइज़ है 3 से 4 किलो के बीच में आ चुका है। तो और किसान भाई, समय कौवे तो बहुत तेज़ी से लग रहे होंगे, तो किसान भाई कौवे को कैसे कंट्रोल करें, तो हम तो इस समय 2-3 दिन से अपने तरबूज के खेत को मतलब रखा रहे हैं एक प्रकार से, तो थोड़ा डाउन है कौवे, तो 2-3 दिन अगर रखा लेंगे अभी तो टूटने का टाइम आ जाएगा 8-10 दिन। और किसान भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तरबूज संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार किसान भाइयों।